क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्री कहा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस हो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये दूसरा एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और अगर बुक डॉक्टर साहब का हो, डॉक्टर साहब ये बुक आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ये बुक डॉक्टर आरडी शर्मा सर का है। इस बुक में वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग के दरवाजे को खोलने के लिए सफिशियंट है। मैं स्टूडेंट से हमेशा ये मेरा रिक्वेस्ट ही समझो, आप अगर स्टूडेंट हैं क्लास 10 के, तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब के क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करें। आपको किसी भी कंपटीशन में ये जो मैथमेटिक्स का जो ट्रिक है उसको सॉल्व करने में ये काफी मदद करेगा। आज हम लोग इसी बुक के एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, डॉक्टर साहब के बुक का है। वैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, आप दोनों में से किसी भी बुक में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चन काफी आसान है, काफी इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अच्छे अच्छों का पसीना निकला है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आप ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल, एक सीढ़ी है जो किसी दीवार पर लगा हुआ है। एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, इसके डायग्राम को भी साथ ही साथ बनाते चलते हैं, आसानी होगी। मान लिया कि ये एक दीवार है, एक वॉल है, और इस पर एक सीढ़ी इस तरह से रखा गया है। हम लोग सीढ़ी को इसी तरह से दीवार पे लगाते हैं। एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है और ये एंगल अल्फा बनाया। क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग चलते हैं। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, इसका सीढ़ी का, ये जो सीढ़ी है इसका फुट यहां पर है, इसको हम लोग पुल करते हैं, इधर खींचते हैं। तो जब हम इसको खींचेंगे, जमीन पर सीढ़ी को खींचेंगे, तो ये जो इसका अपर पोर्शन है ये स्लाइड करेगा, ये नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से हम लोग सीढ़ी को पुल किए तो ये इसका पोजीशन ऐसा कुछ हो जाएगा। फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस डी, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है जो पुल किया गया वो ए मीटर मान लेते हैं कि ये मीटर में है, ए मीटर। सो दैट इट स्लाइड्स ए डिस्टेंस बी डाउन द वॉल, अब ये जो दीवार है इस दीवार पर भी तो ये नीचे सरक गया है, तो ये बी हम लोग इसको मीटर मान लेते हैं, तो ये बी स्लाइड किया। द वॉल एट एन एंगल बीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये वाला लाइन यहां पर, ये डिस्टेंस एंगल, ये एंगल बीटा बना रहा है। पहले वाले केस में ये अल्फा, और जब सीढ़ी को स्लाइड किया, खींचा नीचे से, तो वो बीटा एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ। सो दैट साबित करो कि ए बाय बी, ए बाय बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बाय साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये क्वेश्चन। ए बाय बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बाय साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये क्वेश्चन डॉक्टर साहब के न्यू एडिशन बुक 2022 का P
पेज नंबर 560 है, ये पेज नंबर 5 है 60, और क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन 37, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी आपको मिलेंगे। अब हम लोग इसको दीवार को ए और बी का नाम दे देते हैं, और ये जो सीढ़ी है इसको एसी का नाम दे दिया। पहले वाले केस में सीढ़ी एसी है, लेकिन सेकंड वाले केस में हम लोग इसको ए मान सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट को एक ही लेटर से डिनोट करना नहीं उचित होता है, तो हम लोग इसको पी और इसको क्यू मान देते हैं। यहां तक तो ये क्लियर हो गया, ठीक। अब हम लोग इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों के पास, हम लोग मान लेते हैं ये पी बी, ये जो पी बी है इतना सा, ये हमको गिवन नहीं है, सिर्फ ये बी ए पी दिया हुआ है बी, तो इसको हम लोग एच मान लेते हैं। और फिर ये बी सी डिस्टेंस का भी पता नहीं है, तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ये दोनों मीटर में होगा, क्योंकि हमने इसको मीटर पहले मान रखा है। नहीं भी मानो तो कोई बात नहीं है, नहीं ही मानो छोड़ो। ये तो 90 डिग्री होगा, तो जब ये 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला एसी डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से एसी इज इक्वल टू बी प्लस एच परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर, यानी कि b प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, और इसका हम लोग रूट अंडर ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप पेशेंस रखिए, अकताइएगा तो काम नहीं चलेगा। तो ये ac हो गया। एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि ac तो सिर ही है और PQ भी सीढ़ी ही है, यानी लैडर ही है, तो सीढ़ी का लेंथ तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, यानी कि PQ भी हम बोल सकते हैं इतना ही होगा B प्लस H का होल स्क्वायर और प्लस X स्क्वायर और इसका स्क्वायर। हालांकि जब इस केस से निकालोगे A प्लस X का होल स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर होगा, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, छोड़ ही दो, सीधी है तो एक से लेंथ निकाले तो दूसरा लेंथ वही होगा। अब हम लोग निकालते हैं ये जो वैल्यू हमको दिया हुआ है कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, चारों टी रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नाउ साइन अल्फा ये होगा साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू, ए बी दिया हुआ है बी प्लस एच, ए बी हो गया, और ए सी का वैल्यू हम लोग यहां पर निकाल चुके थे बी प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक। अब साइन अल्फा निकल गया, फिर साइन बीटा निकालते हैं। साइन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा, बीटा एंगल यहां पर है इसलिए साइन बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि एच बाय पी क्यू, तो हम लोग इसको लिखते हैं पी बी बाय पी क्यू और इसका वैल्यू होगा पी बी इज इक्वल टू एच हो जाएगा और बाय ये जो पी क्यू है तो सेम वैल्यू लिख देते हैं बी प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और इसका रूट अंडर। अब साइन अल्फा साइन बीटा फाइंड हो गया, अब निकालते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा यहां पर है तो कॉस अल्फा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी बाय ए सी, बी सी बाय ए सी, और बी सी कितना है तो बी सी एक्स है, तो एक्स बाय ए सी कितना है तो ए सी बी प्लस एच प्लस एक्स स्क्वायर, बी प्लस एच का होल स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर और इसका रूट अंडर। अब एक और टी रेशियो बाकी है, कॉस अल्फा हमने निकाल लिया, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा हो जाएगा, यहां एंगल बीटा है तो बेस, बेस इसका बी क्यू होगा और हाइपोटेन्यूज पी क्यू बाय पी क्यू, और पी क्यू कितना है, एक्स प्लस ए और बाय हो गया, ये पी क्यू का लेंथ तो वही होगा जो यहां पर हमने लिखा है, बी प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इतना सा आपको फाइंड करना होगा। अब जो ये जो एक्सप्रेशन है हम लोग इसको लिखेंगे सावधानी से। नाउ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बाय साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, कॉस बीटा हमने निकाला है इतना सा ये वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स बाय हो गया बी प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखेंगे, एक्स प्लस ए माइनस है एक्स प्लस ए बाय हो गया बी प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हमने लिखा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का वैल्यू, और बाय लिख देंगे साइन बीटा, साइन बीटा ये वाला वैल्यू है तो इसको लिखते हैं एच बाय, नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम होगा यानी कि बी प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, फिर साइन अल्फा बी प्लस एच और बाय हो जाएगा, सेम वैल्यू होगा बी प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यहां पर आपको काफी सावधानी रखना होगा क्योंकि जरा सा भी गलती करने पर ये गलत हो जाएगा, यहां पर ये माइनस है हमने प्लस लिखा, आपने बताया नहीं कि गलती हो चुकी है, इसको सुधार कीजिए, इसको सुधार करेंगे यहां पर माइनस डाल देंगे। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आएगा, इसका डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आएगा, इसका मतलब है कि हम ऊपर में लिखेंगे एक्स माइनस ए, क्योंकि माइनस है तो माइनस एक्स और माइनस ए हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं ये वैल्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स और माइनस ए बाय, अब देखो ये जो एलसीएम लेंगे और ये जो एलसीएम लेंगे वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हम लोग लिखेंगे एच माइनस बी और प्लस माइनस माइनस एच माइनस बी प्लस माइनस माइनस एच, अब कैंसिल कर देते हैं प्लस माइनस और एक्स प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए बाय माइनस बी, दोनों माइनस कैंसिल कर देंगे इज इक्वल टू ए बाय बी, और ये वैल्यू ए बाय बी आता है और प्रूव हमको करना था ए बाय बी इज इक्वल टू इतना, इसका मतलब ये प्रूव हो चुका। ये क्वेश्चन काफी आसान है, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ हाइपोटेन्यूज फाइंड कीजिए, और किसी एक का हाइपोटेन्यूज अगर फाइंड कर लेते हैं तो दूसरे का हाइपोटेन्यूज सेम होगा, क्योंकि ये सिर ही है, एक दीवाल है और दीवाल पर ये जमीन है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो जब सीढ़ी को हमने इस तरह रखा, अब मान लो कि ये सीढ़ी इस तरह रखा, तो सीढ़ी का ये निचला हिस्सा को अगर हम इस तरह खींचेंगे तो ये इधर बढ़ेगा तो ये इधर घटेगा,
यानी कि उसका पोजीशन ऐसा आ जाएगा। तो दोनों केस में तो ये लैडर ही है, तो लैडर तो सेम लेंथ का होगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो एक का निकालने के बाद दूसरा वही यूज करेंगे, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन इजी बन जाता है। डॉक्टर साहब के बुक का कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता है, और आसान भी होता है तो ट्रिक रहता है। ये क्वेश्चन मेरे ही एक स्टूडेंट ने परसों पूछा था, और मुझे लगा कि ये आप सबको भी बताना चाहिए। उम्मीद है ये जरूर क्लास पसंद आया होगा। क्लास 10 वाले के लिए ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस काफी परेशानी वाला टॉपिक है। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।